हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टा चैनल। अभी ये वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है। तो बहुत सारे लीडर्स मुझे सजेशन दिया है कि एक्चुअली स्टार्ट टू एंड तक म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है उसका एक्चुअली पूरा वीडियो बना के दीजिए, तो सो देट वो ये वीडियो को फॉलो करके अपना इन्वेस्टमेंट कर सके। तो इसीलिए बेसिकली ये वीडियो मैंने बनाया है। तो अभी कैसा है कि ये वीडियो में मैं आपको डिटेल में दिखाने जा रहा हूँ कि आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। अभी सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग आपको कुछ पॉइंट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता देता हूँ, तो वो आपको एक्चुअली ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट ऐसा है कि यू शुड स्टार्ट अर्ली, आपको अर्ली स्टार्ट करना है। मतलब कई लोग कैसा है कि अभी अपने जॉब का स्टार्टिंग हुआ है 25 इयर्स के एज पे, तो सोचते हैं कि अभी चलो मैं ईएमआई पर आईफोन लेके आता हूँ या तो ईएमआई पे कार लोन लेके कार बाय कर लेते हैं और सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक्चुअली लेट स्टार्ट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट उतना ही जो पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट है वो बेसिकली आपके फेवर में वर्क करेगा और आप रिटायरमेंट के टाइम पे एक्चुअली जो अपना कॉर्पस है वो अच्छा बिल्ड कर पाएंगे। तो बेसिकली जो फंडा है वो ये है कि आप इन्वेस्टमेंट अर्ली करना स्टार्ट करें और पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट को आप समझिए, ठीक है। और अभी कैसा है कि नेक्स्ट स्टेप जो आता है बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग ये है कि आप सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड अच्छी तरह से बना लें, फिर आप टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले ले, और आप जो हाई इंटरेस्ट रेट वाले जो डेट है जैसे कि क्रेडिट कार्ड लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, उसमें से सबसे पहले बाहर आ जाइए, एक्सेप्ट होम लोन। होम लोन एक्चुअली लो इंटरेस्ट रेट लोन है, इसीलिए एक्चुअली आप होम लोन कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन आप अपना मेन इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें म्यूचुअल फंड में, उसके पहले एक्चुअली आपको डेट से बाहर आ जाना चाहिए। तो बेसिकली ये जो चार स्टेप है ये आपको एक्चुअली करने हैं सबसे पहले, जो कि है इमरजेंसी फंड, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड गेट आउट ऑफ डेट, ठीक है। तो इसके बाद एक्चुअली आपको जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना है। तो अभी मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि एक जो इन्वेस्टर का कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान है जिसका लिंक मैं नीचे बिलो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो वह आप एक्चुअली वीडियो देखना ना भूलें। मैं अभी आपको लास्ट में उसके बारे में ऑल डिटेल बता ही रहा हूँ वीडियो के एंड में। तो अभी कैसा है कि बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग आपको एक्चुअली जो इम्पोर्टेंट फंडामेंटल है वो एसेट एलोकेशन का होता है, तो आपको एक्चुअली एसेट एलोकेशन का नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिकली कैसा है कि मैंने एक्चुअली एक नया रूल बनाया है एसेट एलोकेशन का। तो ओल्ड रूल कैसा है कि 100 माइनस योर एज है वो इक्विटी एलोकेशन होना चाहिए और रेस्ट इन डेट एलोकेशन। तो पहले के हिसाब से ये रूल के हिसाब से कैसा है कि अगर आपका एज 40 इयर्स है तो आपको 100 माइनस 40 मतलब 60% जो अमाउंट है आपका कैपिटल उसको इक्विटी में लगाना चाहिए और बाकी का जो है वो डेट में लगाना चाहिए। और जैसे जैसे आप अपने रिटायरमेंट के नज़दीक आते हैं वैसे इक्विटी एलोकेशन कम होना चाहिए और डेट एलोकेशन बढ़ना चाहिए। तो ये ओल्ड रूल था, लेकिन मैं आपको न्यू रूल बताऊं तो मैंने न्यू रूल ऐसा किया है कि 120 या तो 130 माइनस योर एज किया है, क्योंकि कैसा है कि आपको है ना बियॉन्ड योर रिटायरमेंट भी आपको एक्चुअली इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो ही एक्चुअली आपका जो फ्यूचर का परचेसिंग पावर है वो मेंटेन रहेगा। तो मैं एक्चुअली मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको एडवाइस करता हूँ कि आप एक्चुअली रिटायरमेंट के बाद भी एक्चुअली अपना फंड जो होता है वो एक्चुअली इक्विटी में एटलीस्ट एक्सपोजर दे सकते हैं, जो कि बहुत सारे लोग ये आइडिया से सेफ्टी नहीं फील करते हैं और कन्वीनियंट नहीं है, और वो लोग ऐसा सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद पूरे सेफ्टी के लिए वो 100% अमाउंट फिक्स डिपॉजिट या डेट फंड में ही रखते हैं। लेकिन मैं पर्सनली एडवाइस करता हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो और दूसरा मैं एडवाइस ये करता हूँ कि अगर आपका एज 20s या अर्ली 30s में है तो आपको एक्चुअली 100% जो आपका अमाउंट है वो इक्विटी में ही डालना चाहिए, क्योंकि इक्विटी है वो आपका एज जब यंग होता है और आपका रिटायरमेंट के लिए 25-30 इयर्स जितना लॉन्ग पीरियड बाकी होता है तो इक्विटी आपको है ना बहुत ही अच्छे रिटर्न दे सकती है। इसलिए अर्ली एज में एक्चुअली आपको 100% जो है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड इवन आफ्टर रिटायरमेंट आपको एटलीस्ट 10-50% डिपेंडिंग ऑन योर एज
जस्ट अगर आप 60 ईयर्स की एज पे रिटायर हुए हैं तो मैं आपको बताऊं कि आप स्टिल एक्चुअली 50% आपका इक्विटी में रख सकते हैं, क्योंकि क्या है कि आजकल मेडिकल सर्विसेज अच्छी हो जाने की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्चुअली बढ़ गई है। तो बेसिकली कैसा है कि आप जितना इक्विटी में रखेंगे उतना आपको कैपिटल गेन लॉन्ग रन में अच्छा होता है। शॉर्ट टर्म में तो इक्विटी वॉलेटाइल होता ही है और वो आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी दे सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में इक्विटी जो होता है वो आपको एक्चुअली बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट कैपिटल गेन दे सकता है। इसीलिए आपको ये एसेट एलोकेशन का जो फंडा है वो आपको पहले समझना चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले, ठीक है। अभी इसके बाद एक्चुअली आपने ये सब स्टेप कंप्लीट कर दिए, मतलब आपने एक्चुअली इमरजेंसी फंड, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया और जितनी भी बैड लोन है उसमें से आप बाहर आ गए और आपने ये एसेट एलोकेशन का फंडा समझ लिया, उसके बाद ये टाइम आता है कि आपको एक्चुअली इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना है। तो कैसा है कि इन्वेस्टमेंट अगर म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, आपको KYC कंप्लीट करवाना है, आपको बैंक अकाउंट होना चाहिए और आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद एक्चुअली कैसा है कि कॉमन क्वेश्चन है कि कहाँ से स्टार्ट करें और कितने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। तो बेसिकली आपको SIP स्टार्ट करना है रिटायरमेंट फंड बिल्ड करने के लिए, और वो SIP आपको 2 या 3 इक्विटी फंड में करना है, या तो 1 या 2 डेट फंड में कर सकते हैं और एक टैक्स सेविंग फंड ELSS में आप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है फंड कलेक्ट, ठीक है। और 1 से 3 बैलेंस फंड में भी आप नियर रिटायरमेंट है या तो आफ्टर रिटायरमेंट है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी मैंने कैसा है कि एक एक्चुअली यहाँ पे मैंने नीचे बिलो लिंक में मैं दे रहा हूँ कि कई लोग पूछते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड ही क्यों, वो लोग डायरेक्ट इक्विटी में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरी बात कि म्यूचुअल फंड सेफ कितने हैं एक्चुअली, और तीसरी बात कि SIP करने से मतलब उनके कैपिटल की सेफ्टी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो बेसिकली कैसा है कि मैं नीचे 2 लिंक्स एक्चुअली आपको दे रहा हूँ जिसमें एक्चुअली मैं SIP स्टडी और ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऑफ इंडिया है उसके बारे में मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ, और आगे भी मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि SIP में से इन्वेस्ट करना एक्चुअली सेफ रहता है, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि आपको कितने म्यूचुअल फंड्स में बेसिकली इन्वेस्ट करना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी इसके बाद कैसा है कि आपको एक्चुअली हाउ टू चूज बेस्ट म्यूचुअल फंड, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको म्यूचुअल फंड बेसिकली कैसे चूज करना है। तो उसके लिए कैसा है कि मैं एक्चुअली सजेस्ट करता हूँ कि आपको valuesearchonline.com या तो उसके जैसी कोई जो म्यूचुअल फंड वेबसाइट है तो उसमें जाके एक्चुअली जो फंड्स होते हैं उसके स्टार रेटिंग चेक करने हैं। तो मैं पर्सनली valuesearchonline.com है वो प्रीफर करता हूँ, और उसमें मैं रिकमेंड करता हूँ कि 4 या 5 स्टार रेटेड फंड्स में आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं और every 6 months आप अपने पोर्टफोलियो के जो फंड्स है उसके स्टार रेटिंग चेक कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि आप अगर किसी का स्टार रेटिंग 4 स्टार से कम होता है तो आप दूसरे फंड में मूव कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको कैसा है कि इन्वेस्टमेंट में वेल्थ बिल्ड करने का जो सीक्रेट है वो कंसिस्टेंसी है, आपको कंसिस्टेंटली SIP करते रहना है। अगर आप नेगेटिव रिटर्न भी first 3 years 5 years के लिए जनरेट करते हैं तो भी आपको SIP कंटिन्यू रखना है। तो ये एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेजोरिटी ऑफ लोग हैं ना वो SIP कंटिन्यूअस नहीं रखते हैं, उसकी वजह से एक्चुअली वो लोग एक्चुअली अपना इन्वेस्टमेंट में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। और दूसरा कैसा है कि आपको अपना जो है ना रिटायरमेंट फंड में से पैसा विड्रॉ करने का जो टेम्पटेशन है उसके ऊपर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि इमरजेंसी पर्पस के लिए आपके पास इमरजेंसी फंड होने चाहिए, नहीं कि आपको रिटायरमेंट का जो सेविंग्स है उसमें से विड्रॉ करना है। और दूसरी चीज़ कैसी है कि आपको ओवर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड है उसको एक्चुअली आपको अवॉइड करना है। मेरे पास कई लोग आते हैं और बोलते हैं कि मुझे अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं और मैं देखता हूँ कि उसके अंदर 12 डज़न जितने म्यूचुअल फंड्स उन्होंने कलेक्ट किए होते हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि आपको इतने सारे म्यूचुअल फंड्स की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर आगे दिखाया इतने ही म्यूचुअल फंड्स की आपको ज़रूरत है रिटायरमेंट प्लानिंग या तो वेल्थ बिल्डिंग के लिए। सिर्फ 2 से 3 इक्विटी फंड्स, 1 से 2 डेट फंड्स, 1 टैक्स सेविंग फंड और 1 से 3 बैलेंस फंड, बस इससे ज़्यादा फंड्स की आपको ज़रूरत नहीं है। कितना भी चाहे बड़ा अमाउंट हो आपको इससे ज़्यादा की ज़रूरत सही में नहीं है, ठीक है। तो आपको ओवर डाइवर्सिफिकेशन का जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली अवॉइड करना है, ठीक है। और पोस्ट रिटायरमेंट एक्चुअली आप एक्चुअली अपना जो कैपिटल है वो बेसिकली बैलेंस फंड में भी रख सकते हैं, मैं खुद बैलेंस फंड सजेस्ट करता हूँ। उसके अलावा गवर्नमेंट के भी डेट्स इन होते हैं वो एब्सोल्युटली सेफ होते हैं, तो उसके अंदर भी या तो डेट फंड में रख सकते हैं,
या तो बैंक फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं। मैं पर्सनली बैलेंस फंड क्यों सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि कैसा है कि बैलेंस फंड जो होते हैं वो इक्विटी और डेट दोनों में एक्सपोजर देते हैं, और बैलेंस फंड जो होते हैं वो अच्छा रिटर्न देते हैं। आप उसमें एन्यूअल 10% से ज़्यादा CAGR एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग रन में। तो आपका कैपिटल भी सेफ रहता है, और आपको इक्विटी एक्सपोजर मिलने की वजह से आपका कैपिटल बेसिकली ग्रो भी होता है। ठीक है, तो देखिए अभी मैं आपको है ना इसके रिलेटेड थोड़े बहुत रेफरेंस दिखा रहा हूँ, तो वो देखते हैं। तो अभी मैं आपको कैसा है कि कुछ रेफरेंसेस दिखाता हूँ, तो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो देखिए ये जो है ये बेसिकली हमारा जो इन्वेस्टा चैनल है उसका एक्चुअली वीडियो लाइब्रेरी है। तो ये एक्चुअली बहुत ही बड़ा रिसोर्स है बेसिकली माना जाता है, और मैं आपको बताऊँ कि ये जो रिसोर्स है उसमें से आप अपने मोस्ट ऑफ द पर्सनल फाइनेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड फ्यूचर प्लानिंग, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, ये सबके एक्चुअली आप आंसर इसमें से आप पा सकते हैं। ये सिर्फ आपको सर्च ही करना है। अगर आपको इसमें न मिले तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं कि आप मुझे एक्चुअली पर्सनल सजेशन में ईमेल भी कर सकते हैं, और हम फ्यूचर में उसके ऊपर वीडियो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए मेरे खुद के ही मैं हम फिर से स्टार्ट करते हैं। मैं समरी में दिखा देता हूँ, ये सब जो लिंक्स है मैं नीचे बिलो डिस्क्रिप्शन में वन बाय वन दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या अंडरस्टैंड करना है कि पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे वर्क करता है, तो इस और आपको क्यों अर्ली इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए। तो इसके ऊपर मैंने बेसिकली दो वीडियो बनाए हैं, जो कि नीचे में बिलो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। तो ये दो वीडियो के अंदर आप है ना इन्वेस्टमेंट अर्ली क्यों स्टार्ट करना चाहिए उसका इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट से कैस टाइप से रिटर्न जनरेट होते हैं, और आप किस टाइप से बहुत ही अच्छी वेल्थ बिल्डिंग कर सकते हैं वो ये वे दो वीडियो के बाद द्वारा आप समझ सकेंगे। उसके बाद एक्चुअली मेन चीज़ जो आती है वो है इमरजेंसी फंड। बिफोर आप म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, उसके पहले जो चीज़ आती है वो है इमरजेंसी फंड, और ये वीडियो में मैंने दिखाया है। आप देख सकते हैं पूरा 16 मिनट्स का वीडियो है, तो ये वीडियो के अंदर मैंने वही दिखाया है कि आपको इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, किस में पार्क करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें मैंने डिटेल में दिखाई है। नेक्स्ट क्या आपको बाय करना है, टर्म इंश्योरेंस प्लान, और कौन से कंपनी का टर्म इंश्योरेंस प्लान बाय करना है, और टर्म इंश्योरेंस प्लान के लिए क्या देखना है, ये सब डिटेल, आपको कितना लाइफ कवर चाहिए, ये सब डिटेल इसके वीडियो के अंदर ऑलरेडी दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आपको बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस और टॉपअप प्लान लेना है, और हेल्थ इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस क्या है और हेल्थ इंश्योरेंस चूज़ करने के टिप्स कौन से हैं उसका आप देख सकते हैं। तो मैंने पूरा 16 मिनट्स का डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, तो आपको बेसिकली ये वीडियो जाके आप देख सकते हैं कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस कैसे बाय करना है। उसके बाद एक्चुअली मैंने पूरा एक्चुअली प्लान दिया हुआ है कि आपको अपने बैड लोन्स में से कैसे बाहर निकलना है, जो भी हाई इंटरेस्ट रेट लोन्स है उसके अंदर से आपको किस टाइप से बाहर निकलना है, तो वो मैंने एक्चुअली ये वीडियो के अंदर आपको दिखाया हुआ है। तो इसके बाद एक्चुअली आपको पूरा डेट में से निकलने का, लोन में से जो अपनी खराब लोन है उसमें से निकलने का प्लान आपके हाथ में आ जाएगा। और ये जो है ये लिंक आप एक्चुअली परमानेंटली सेव कर सकते हैं। इसके अंदर एक्चुअली क्या है कि पूरा कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग मैंने दिया हुआ है, जिसके अंदर एक्चुअली सब थी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्चुअली ऑलरेडी दिखाई हुई है। तो ये वीडियो के बाद आपको एक्चुअली है ना पता चल जाएगा कि बेसिकली आपको क्या करना है। देखिए आप ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये पूरा मैंने प्लान दिया ही हुआ है और एक्सप्लेन भी किया है, जहाँ इमरजेंसी फंड, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, गेटिंग आउट ऑफ डेट, स्टार्ट इन्वेस्टिंग, इंक्रीज इनकम, जंक प्रोडक्ट से बाहर निकले, टैक्स प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड फ्यूचर प्लानिंग, वाइज फाइनेंशियल डिसीजन। तो आप देख सकते हैं कि कितना डिटेल में मैंने ये वीडियो के अंदर समझाया हुआ है कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान में क्या करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है। दूसरा कैसा है कि आपको मैंने जैसे आगे वीडियो में दिखाया कि आपके एज के हिसाब से आपको इक्विटी एलोकेशन करना है पोर्टफोलियो का, तो इसका जो न्यू रूल आ गया है जिसमें 100 माइनस एज की वजह से हम लोग लेते हैं 120 या तो 130 माइनस योर एज, तो इस हिसाब से ये वीडियो में इक्विटी एलोकेशन दिखाया गया है। उसके बाद है कि आपको कितने म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए। मैंने जैसे आपको दिखाया कि 1-2 इक्विटी, सॉरी 2-3 इक्विटी फंड्स, 1-2 डेट फंड्स, एक ELSS फंड और 1-3 बैलेंस फंड। इसके अलावा आपको टोटल रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए दूसरे किसी फंड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद कैसा है कि हाउ टू चूज़ बेस्ट म्यूचुअल फंड्स। तो मैं एक्चुअली ये वीडियो मैं अलग से दिखाना चाहता था, लेकिन ये वीडियो इतना बड़ा हो गया है अभी, तो इसका एक्चुअली ये पूरा अलग से मैंने वीडियो बना के उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इसके अंदर मैंने एक्चुअली पूरा डिटेल में यही दिखाया हुआ है कि आपको एक्चुअली बेस्ट म्यूचुअल फंड अपने लिए कैसे सिलेक्ट करते हैं, जो कि वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन वेबसाइट है,
तो ये वेबसाइट को मैंने पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ये वीडियो में दिखाया है कि मैं पर्सनली कैसे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करता हूँ अपने लिए, और दूसरे लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि किस टाइप से अच्छे म्यूचुअल फंड सजेस्ट करने हैं, सिलेक्ट करने हैं। तो ये एक्चुअली ये वीडियो के द्वारा आप एक्चुअली समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो है बेसिकली के कंसिस्टेंसी। तो आपके इन्वेस्टमेंट का जो सक्सेस है वो कंसिस्टेंसी है, और वो मैंने ये वीडियो में एक्चुअली एग्जांपल के थ्रू एक्चुअली दिखाया हुआ है कि कंसिस्टेंसी से आपको किस टाइप से एक्चुअली फ़ायदा होता है, और किस टाइप से आप एक्चुअली सक्सेसफुल इन्वेस्टर है वो कंसिस्टेंसी के थ्रू वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि SIP में फंड इन्वेस्टमेंट करना कितना सेफ है। तो एक्चुअली ये SIP स्टडी जो है वो मिस्टर धीरेंद्र कुमार जो है, जो कि वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन के CEO है, उन्होंने एक्चुअली ये स्टडी सबसे पहले किया हुआ है। और ये स्टडी के अंदर इन्होंने दिखाया है कि सिर्फ 0.3, हाँ ऐसा ही कुछ है जो वीडियो में मैंने दिखा है, 0.3% चांस है रियल आपको SIP के थ्रू पैसे लूज करने के, अगर आप 10 ईयर्स से ज़्यादा टाइम तक SIP करते हैं। और इन्होंने एक्चुअली सब रियल स्टॉक मार्केट के डेटा पर एक्चुअली सब प्रकार के फिगर्स रन करके ये स्टडी किया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका लिंक मैं बिलो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और उसके बाद जो है वो है कि हिस्टोरिकल रिटर्न, व्हाट इज़ द चांस ऑफ लूजिंग मनी आफ्टर डूइंग 25 ईयर्स ऑफ SIP इन इक्विटी फंड। तो ये वीडियो में एक्चुअली यही दिखाया गया है कि इंडिया के हिस्ट्री में 1992 से जब से जो म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुए हैं, आप देख सकते हैं कि 1986 में या 1991 में UTI मास्टर शेयर और SBI मैग्नम जैसे फंड स्टार्ट हुए थे, तो उन्होंने लास्ट 25 ईयर्स में एक्चुअली देखा जाए तो आपको क्या रिटर्न दिया था। तो उसके बारे में एक्चुअली ये डिटेल में वीडियो है, तो उससे आप एक्चुअली समझ पाएंगे कि आज तक ऐसा कोई नहीं है जिसने बहुत ही लॉन्ग टाइम से SIP किया हो उसने पैसे लूज किए हो। अगर ऐसा कोई है तो वो हमें देखना बाकी है, लेकिन ऐसा आज तक कोई नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये सब पूरे रिसोर्सेज के जितने भी लिंक्स हैं मैं नीचे दे रहा हूँ। तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं कि ये लिंक में जाके एक्चुअली अपना ये जो है वो नॉलेज जो है वो बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको कोई भी कमेंट या सजेशन है तो आप नीचे बिलो डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं, और अपने फ्यूचर के जो वीडियोस होते हैं उसके लिए सजेशन भी मुझे आप दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।